आज का प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हम लोग जो नतीजे आए लोकसभा कोटी लोकसभा में और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय कांचन सिंह मुंडा जी को पूरी कोटी लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ तबाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो एक अभूतपूर्व लीड दिया, अभूतपूर्व जीत कराई, उसके लिए सबसे पहले कोटी लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ साथ में तबाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को विशेष रूप से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने विश्वास जताया है, उस विश्वास को हम लोग जीतने का भी काम करेंगे और विश्वास को मजबूती से आपके हित के, आपके विचार की, आपके आपके विषय की राजनीति हम लोग करेंगे, आपके विषय पर हम लोग काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपको इसलिए भी धन्यवाद कि जो इंडिया गठबंधन के जो जुमले थे उसको साथ साथ में इंडिया गठबंधन ने चुनाव में स्थानीय रूप से एक जो अवैध गठबंधन जो इन्होंने स्थापित किया, जिसको ना ये दिखा पा रहे थे ना छिपा पा रहे थे, उस गठबंधन को भी आप लोगों ने नकारा, उसके लिए कोटी कोटी आप सभी को धन्यवाद। कि जिस तरीके से भाजपा का आचरण रहा है कि दाग धब्बेदार लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराना, उनका साथ लेना और चुनाव में इन प्रकार तरीके से गलत तरीके से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत में किसी भी तरीके से गादा आचरण का उदाहरण नहीं होता है, वो उदाहरण भी स्थानीय रूप से यहाँ देखने को मिला। तो इस चीज को भी यहाँ के क्षेत्र के जनता ने देखा, उसका माकूल जवाब भी दिया, उसके लिए फिर से सभी को तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और ये पूरा जीत, ये पूरा जो श्रेय है आपका है, आपने चुनाव लड़ाया, आप चुनाव लड़े, आपने जीताया है। आपके विषय की बात होगी, ना कि दूर दराज जिस विषयों से आपका कोई लेना देना नहीं उस विषय के बारे में। कम से कम आप हम लोगों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग आपके विषय की बात करेंगे, आपके जो तकलीफ है उनके उसको सुन करके उसका समाधान निकालने का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों को बड़े कोई देश दुनिया के बड़े मुद्दों से हम लोगों का कोई सरोकार नहीं। जिन विषयों से तबाड़ विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं का हल नहीं निकलता है, जिन विषयों से कोटी लोकसभा क्षेत्र की जनता का समस्याओं का समाधान नहीं होता, वो ऐसे विषय हम लोगों के किसी काम के नहीं है। हम लोगों को जो स्थानीय विषय है, जो लोक सरोकार के विषय है, उसके लिए हम लोग सदैव तैयार है, उसके लिए आपकी बात सुन के, आपके विचारों को सुन के उसके ऊपर। वर्षों बाद तमाड़ ने एक जनमत दिया है और वो भाजपा के विरुद्ध जनमत रखा है, किस रूप में देखते हैं इसे? नहीं, निश्चित तौर से तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के आप मतदाता है, आप जनता है, इसके पूरे श्रेय के हकदार है। उन्होंने विश्वास जताया और हम लोगों की बड़ी जिम्मेवारी थी। आप देखेंगे पिछले 40 सालों से, खासकर 1977 से लेकर के अब तक भाजपा के ही सांसद कोटी लोकसभा क्षेत्र से और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से चुन करके जाते रहे, लेकिन देश के संसद में क्या तमाड़ विधानसभा की बात या कोटी लोकसभा क्षेत्र की बात क्या गूंजने का काम करी, या फिर आपने कभी ऐसे मुद्दे जो स्थानीय स्तर पे जो एक जटिल समस्या के रूप में बने हुए थे और उसका समाधान सिर्फ भारत सरकार के सहयोग से ही उसको खत्म किया जा सकता था उस समस्या को, लेकिन आज तक आप देखें उन विषयों पे ना काम हुआ, ना कभी इच्छा जताया गया कि भाई इन सब काम को करना चाहिए। लोक सरोकार में हमारे सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी लोक सरोकार के विषय कभी उनके अपने विषय नहीं लगे। कोरोना में पूरी तरीके से ना इनके कार्यकर्ता ना खुद माननीय मंत्री कहीं नजर नहीं आए, तो ऐसे कई चीजें हैं। और खासकर 10 सालों में आप देखिए, मैं ज्यादा पीछे ना जाकर के 10 सालों की बात ही कहूंगा, इन 10 सालों में जो एक उदासीन रवैया क्षेत्र के सांसद का जो रहा है, चाहे गड़िया जी हो चाहे मुंडा जी हो, इन 10 सालों में तो इस देश में भाजपा की सरकार भी रही, आज भी उनकी सरकार है। तब देखिए कि भारत सरकार की तरफ से क्या कुटी लोकसभा क्षेत्र की जनता को या फिर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या लाभ मिला, एक उदासीन रवैया ही अब देखने को मिला है। अब सौभाग्य की बात थी कि यहाँ से मंत्री भी बने। अब सोचिए कि रांची से जमशेदपुर जो एक बहुत मतलब
इतना इंतजार है लोगों पे, कब यहाँ रांची से जमशेदपुर तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य होगा? वो काम तो अभी शुरू भी शुरू कराया जा सकता था, उसको पूरा कराया जा सकता था, लेकिन जब इस क्षेत्र के प्रतिनिधि भारत सरकार में मंत्री रहने के बावजूद नहीं करा पाए, तो इसके बाद कौन कराएगा? मंत्री जी ने लैंड इशू बताया था इसको लेकर। देखिए लैंड इशू कुछ नहीं है, आज देखिए NHAI ने रोड बना दिया, ठीक है, लैंड इशू की बात करें तो रोड बनना ही नहीं चाहिए था। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि पथ निर्माण विभाग से सड़क का निर्माण भी हुआ है, वहां क्या लैंड इशू आया? तो ये कहने की बातें, बहाना बनाने तो कोई इनसे सीखे, मानना कि भाजपा के नेता बहाना बनाने में या फिर किसी तर्क का कुतर्क करने में या फिर बात को घुमाने में महारत इनको हासिल है, तो इसी महारत को देखते जनता में देखा भाई आप हमको घुमाते हैं गोल गोल, हम आपको इस बार घुमा देते हैं, उसी का नतीजा देखा। सर, और आपका खासकर कुमार विधानसभा में, वो तो प्रधानमंत्री मोदी आए थे, बोले हाथों से कई कार्यक्रम किए थे, कई योजनाओं का शुरुआत किया था, तमाड में भी कई बड़े बड़े चेहरे खिलाफ में थे इंडिया के, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जब उलिहातू आए थे, क्या वहां के गांव के लोगों से उन्होंने संवाद किया था? क्या किसी एक व्यक्ति से उन्होंने संवाद करने का काम नहीं किया? आप देखिए कोई इतना बड़ा व्यक्ति अगर किसी गांव में जाए और वहां किसी से बात ही ना करे, तो क्या गांव के लोग इससे खुश होंगे या फिर ये देखेंगे कि भाई हमें सिर्फ क्या चेहरा दिया, कोई बड़ा व्यक्ति गाँव में सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए जाएगा क्या? तो इनके हमने कहा एक वन वे कम्युनिकेशन इन लोगों को आता है, कभी इन्होंने दोनों तरफ से कम्युनिकेशन नहीं किया, जिसका परिणाम इनको भुगतना पड़ा है। लोकसभा में मोदी जी को नकारा, आप देखिए कि देश के कई हिस्से जहां तो से इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि आने वाले समय में आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होना है। उसके साथ साथ हमने तो कहा है कि क्षेत्र में स्थानीय रूप से जो अपने आप को स्वघोषित बड़े नेता कहते हैं या फिर अपने आप को बड़ा नेता स्थापित नेता कहते हुए थकते नहीं है, उन लोगों को भी इस क्षेत्र की जनता ने अच्छे तरीके से जमीन दिखा दिया कि भाई हमारे मुद्दों के साथ में जो रहेगा हम उनके साथ में। और हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि सब अपना चेहरा को सामने रख करके इतना आगे रख देते हैं कि आम जनता के मुद्दे उनके सामने दिखाई नहीं देते। अब देखिए कि अर्जुन मुंडा जी मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उन्होंने तो कभी अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया है खूंटी लोकसभा क्षेत्र में, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में, कहीं कहने का उनके बयान में कहीं कुछ नहीं है। तो ये दिखाता है इनकी तत्परता को कि किस तरीके से ये एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद में क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते हैं या फिर अपने आप को बड़ा करने का अपने कद को बड़ा करने के लिए काम करते हैं। पूरे 5 साल में आपके और सांसद जी के बीच में विरोधाभास दिखा, कई जगह ये सामने आया, अब एक ही गठबंधन में आप लोग दोनों है, ये स्वाभाविक है तमाड़ की जनता के लिए, खुटी के लिए कितना फायदा होगा? निश्चित तौर से देखिए इस विधानसभा क्षेत्र के जो भी विषय रहते हैं उनको हम लोग विधानसभा के अंतर्गत प्रमुखता के साथ हम लोग उठाने का काम करते हैं। लेकिन आज तक के इतिहास पर कहीं भी किसी के मीडिया के बाइट में या फिर सांसद टीवी में भी आपने कभी देखा होगा कि यहाँ से सांसद चुन के जाने के बाद कभी भी क्षेत्र की बातों को कभी भी देश के संसद के पटल पर उठाने का कभी काम देखने को नहीं मिला अब तक। लेकिन ये चीजें आपको दिखेंगी जिस रूप से हम विधानसभा में इस क्षेत्र के विषयों को उठाने का काम करते हैं, उसी रूप से कालीचरण कुंडा जी देश के संसद में यहाँ के विषयों को उठाने का काम करेगा और मजबूती से रखेंगे। इंडिया गठबंधन के झंडा को बुलंद करने वाले नीतीश कुमार किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आए, सरकार बनाने में क्या भूमिका होगी, इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं क्या? देखिए ये तय करना और इसके ऊपर बयान देना के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो नीतीश जी का आचरण रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए कल किसी ने नहीं देखा है, हम लोग अपने तरफ से जो हम लोगों को जनादेश मिला है, जो जिम्मेवारी मिली है, हम लोग उस जनादेश का और जिम्मेवारी को पूरी तत्परता के साथ। सेमीफाइनल जीत लिए, फाइनल में आप पहुंच गए हैं, समझे तैयारी कैसी थी? जनता की अदालत में कोई सेमीफाइनल फाइनल नहीं होता है, मेरा मानना है कि भाई क्षेत्र की जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया है
एक जवाबदेही दी है, जवाबदेही पे आपकी काम करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी को पिछले 10 साल से हम लोग अच्छी तरीके से, इसका आकलन हम नहीं करेंगे, इसका आकलन क्षेत्र की जनता करना, हम अपने दावे कुछ नहीं, हमें जो जवाबदेही अब तक मिली हुई है उस जवाबदेही पर हम लोग अपने तरफ से किसी भी तरीके से कोई कोताही ना करते हुए जहाँ आवश्यकता लगी है वहाँ पर कलम को रोके नहीं है, उसको उतनी ही तेजी से हम लोगों ने चलाने का काम किया, लगातार चला रहे। विधायक जी, अंतिम सवाल करना चाहेंगे, इस चुनाव के दौरान में तमाड़ के युवाओं के द्वारा 500 तरी मांग लगातार आया और ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया में देखने को मिला और इसमें आपने पहल भी किया, आने वाले दिनों में इससे काम हो सकता है। निश्चित तौर से देखिए, हम हमारा डेवलपमेंट को लेकर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि हम हमारा जो रवैया है नकारात्मक रहा है, हमेशा से ही विकास के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के प्रति, हमारे पिताजी के बाद में अगर किसी का सकारात्मक रूप रहा है तो वो हमारा रहा है, नहीं तो अब तक आप देखेंगे कि गांव देख करके कहाँ से वोट मिला है, कहाँ से नहीं मिला है, ये देख करके काम किए जाते थे। आज आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में हम लोगों ने इस काम करने का पैमाना इस चीज को कभी नहीं रखा, हम लोगों ने ये टारगेट लेके चला कि भाई जहाँ हो सकता होगी हम लोग वहाँ काम करेंगे, बाकी जनता के बीच में जाएंगे, उनका जब उनकी इच्छाओं की जिम्मेवारी देगी, इच्छा नहीं होगी जिम्मेवारी नहीं देगी, तो इस कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने काम करने का काम किया और ये कमिटमेंट कभी भी कम नहीं होगा, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक सकारात्मक रूप जो डेवलपमेंट के प्रति है वो हमें तक जारी रहेगा।